बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहनों से, खुद से भी ज्यादा। बताओ ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अम्मी और बाबा में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? ये क्या बात हुई है? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? देखा, मम्मी और बाबा वो हवाएं जिसमें मैं सांस लेता, और तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो। बातें बनाना ना कोई आपसे सीख। रजा मुझे मुझे एक बात करनी थी तुमसे। बाबा भी करेंगे तुमसे ये बात, लेकिन मैंने सोचा मैं पहले बता दूं। क्या बात? वो हमारी सारी ढोलकियां कैंसिल हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा ढोलकियां कैंसिल हो गई? बाकी सबकी धूमधाम से शादियां हुई हैं, 8-8 ढोलकियां हुई हैं इन सबकी, और हमारी बारी ढोलकियां एकदम से गायब हो गई। नहीं नहीं रजा, वो शादी से एक दिन पहले मेहंदी करेंगे और वो बहुत धूमधाम से होगी। पर आज से एक दिन पहले मैं, क्या बात है, क्या चल क्या रहा है? मुझे दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मसला क्या है? वो रजा एक्चुअली अभिया के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। वो किचन में काम कर रही थी और अचानक से वो जल गई, तो इस वजह से बाबा ने कहा है कि हम सारी ढोलकियाँ कैंसिल कर देंगे और शादी से पहले बस एक बड़ा इवेंट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अभिया की जिंदगी महफूज रही। और तुम प्लीज कोई टेंशन ना लेना, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अंकल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया ढोलकियाँ कैंसिल करके। वैसे भी अभिया के बगैर हमारी खुशियाँ कहाँ की खुशियाँ। हाँ ना रजा, देखो मैंने भी अम्मी को यही कहा कि अभिया ठीक हो जाए फिर खुशियां तो मनाते रहेंगे ना। अच्छा नायाब, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, मैं आजकल में चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखो। सीधी लोग आइए। लेकिन आपने तो कहा था बीहा से मिलते हुए घर जाएंगे। बकवास बंद करो। लेकिन मुझे बीहा से खामोश, बिल्कुल खामोश। आपकी अम्मी को आपके जाने पर एतराज है, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलने जरूर जाऊंगी। अगर ये जाएगी तो वो इसका इस घर में आखिरी दिन होगा, समझ रहे हो ना तुम जैन? आप इतनी पकड़दल क्यों हैं? शान, क्या हो गया तुम? तुम आओ, आओ मेरे साथ चलो। जैन, कमरे से अपना सामान उठाओ, मेरे साथ वाले रूम में शिफ्ट हो रहे हो। समझ आ रही है ना मेरी बात? जैन की, जैन से कोई गैर जरूरी बात नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों को आपस में हंसते खेलते बातें करते ना देती। बिल्कुल ये आप गलत कर रही हैं हमारे साथ, आप बहुत गलत कर रही हैं। ये इस घर की कोई भी बात इस घर की चार दीवारी से अगर बाहर गई तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझ लो ये बात अच्छी तरह से। उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको इलाज की जरूरत है। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरी मॉम के बारे में मॉम के बारे में ऐसी बात दोबारा नहीं करना, ठीक है? तुम नहीं जानते हो
मॉम का हालत बहुत खराब है, अगर ज्यादा बहस की ना मेरी दिमाग की नसें फट जाएगी। रिलैक्स। हेलो, कैसी हो अबीहा? इशाल, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब रूटीन में आती जा रही हूँ और पेन भी बहुत कम है। और तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आई? तुमने आना था ना? आना तो था, लेकिन वो नयाब मेरे पास आई थी, उसने बताया कि तुमने कहा था घर से निकलते हुए कि मेरे पास चक्कर लगाती भी जाओगी, फिर आई क्यों नहीं? हाँ, प्लान तो यही था हमारा, लेकिन वो रास्ते में आंटी की दोस्त का फोन आ गया, वो घर आ गई थी, तो फिर हमें भी फौरन घर ही आना पड़ा। खैर, मैं कुछ दिन में चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आवाज क्यों इतनी भारी हो रही है? वो घर आते ही तबीयत थोड़ी अजीब हो गई है, फ्लू स्टार्ट हो गया है। तो एक काम करो, तुम कोई मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाओगी। जैन भी ये कह रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, तुम स्टीम ले लो और आराम करो, ठीक है? हाय, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ ऐसे? थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा बताओ ना, और क्या हो रहा था घर पे? गफूर चाचा। जी सर बाबा। गफूर चाचा, आप मॉम को बोल दें कि जैन थक चुका है। लेकिन मामा तो सो चुकी है जैन बाबा। सॉरी मॉम, मैंने कहा था कभी भी मूवी लगा सकते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मूवी नहीं देख सकते, पता है ना तुम्हें? पता है? जवाब दो, जवाब दो तो लगाऊंगी एक थप्पड़। क्या था ना दोस्त बनाने से, वो करोगे जो मैं कहूंगी, वो नहीं जो टीचर कहेगी, कहने से कुछ नहीं होगा। क्या शोर मचा रखा है? बैग नीचे रखो। तो क्या मतलब है इसका? दीवार की तरफ शोर मचाओगे तुम? कान पकड़ के आया तुम्हारा ये, खड़े रहो। देख नहीं रहे जब तक मैं तुम्हें हिलने को ना कहूं। काम के बीच में थी, मैंने कहा था कभी जाओ अपने कमरे में। ये नहीं, जरा हमारी पिक्चर्स लेंगे वहां से। आज आए ना, एक सेकंड, एक सेकंड बार। हाँ अब लो,
दिखाएं। हाँ अच्छी आई है। चलें। कितने पैसे हो गए भाई? मैम 1000। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।